द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला पार्ट. कैलिक्स और कोरोला की अरेंजमेंट जो है वो प्लांट फ्लावर के अंदर किस तरह से है, उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट इज वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन. वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, इफ बोथ दैट इज सेपल्स और पेटल्स, कैलिक्स और कोरोला, बोथ जस्ट टच द मार्जिन्स ऑफ द अदर सेपल्स और पेटल्स विदाउट द ओवरलैपिंग. द मेन रीजन इज कि वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो अरेंजमेंट जो होती है उनकी, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती. आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्लोरल डायग्राम में हम वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन दिखाते हैं उसमें हम ये जो ब्रैकेट दिखाते हैं दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. तो इस तरह की एस्टिवेशन को हम वेलवेट काइंड कहते हैं. जो दूसरी तरह की एस्टिवेशन है इट इज द ट्विस्टेड काइंड ऑफ. नाम से ही आप पता कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरह की अपीयरेंस में ओवरलैपिंग जरूर होगी टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला जो कार्पल या सेपल होगा उसकी ओवरलैपिंग होगी. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आपको हर एक ब्रैकेट जो है वो एक दूसरी ब्रैकेट को ओवरलैप कर रही है इन अ सीक्वेंसिंग मैनर में. और उस तरह की अरेंजमेंट को आप इस तरह के कैलिक्स और कोरोला को जो दिखाया गया है फ्लावर स्ट्रक्चर में उसमें भी देख सकते हैं कि एक पेटल जो है या एक सैपल जो है वो दूसरे वाले पेटल या सैपल को ओवरलैप कर रही है. उस तरह की एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं. और जो थर्ड काइंड ऑफ एस्टिवेशन है दैट इज द इम्ब्रिकेट टाइप, जिसमें इफ बोथ द सैपल्स और पेटल्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं अपनी अनदर सैपल और पेटल को, बट देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इट इज अ डिसऑर्डर्ड और रैंडम जब ओवरलैपिंग होती है उसको हम इम्ब्रिकेट कह सकते हैं. जैसे आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग तो है ब्रैकेट्स की, मगर कोई उसका फैशन जो है वो ऑर्डर्ड नहीं है, इट इज द रैंडम काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, तो उसको हम इम्ब्रिकेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन कह देते हैं. जो फोर्थ काइंड ऑफ एस्टिवेशन है दैट इज द वैक्सिलरी काइंड ऑफ एस्टिवेशन, जिसके अंदर जो कि मेनली कहाँ देखी गई है, पी प्लांट्स और बीन सीड्स में देखी जाती है, बीन प्लांट्स में, फ्लावर्स में देखी जाती है, जहां पर फाइव पेटल्स होते हैं. फाइव पेटल्स जो है उसमें से जो लार्जेस्ट वन होता है उसको हम स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं और दे ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स. उसके बाद ये मेन पेटल्स जो होते हैं ये टू लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करते हैं जिनको हम विंग्स कहते हैं. और देयर इज द स्मॉलेस्ट पेटल्स जो कि अगेन ओवरलैप्ड बाय द विंग्स. जो स्मॉलर इंटीरियर पेटल्स होते हैं उनको हम कील कहते हैं. यहाँ पर आप उनकी अरेंजमेंट देख सकते हैं. दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वैक्सिलरी काइंड ऑफ एस्टिवेशन, जिसमें फाइव टोटल पेटल्स होते हैं. उसके अंदर जो एक मेन होता है द लार्जेस्ट वन इज स्टैंडर्ड वन, जो कि दो विंग्स जो कि स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड वन उसको ओवरलैप करते हैं कार्पल्स को. उसके बाद जो दो छोटे सबसे इंफीरियर पेटल्स या सेपल्स होते हैं उनको कवर करते हैं ये विंग्स. इनके नाम क्या क्या है, स्टैंडर्ड जो कि सबसे बड़ा पेटल या कार्पल कैलिक्स होता है, द अदर वन इज जो मिडल वन होते हैं उसको हम विंग्स बोलते हैं, एंड विंग्स के बाद जो सबसे छोटे वाला आता है पेटल्स उसको हम कील बोलते हैं. तो इनकी जो अरेंजमेंट है इनकी जो ओवरलैपिंग है वो फिक्स है, और उस तरह की अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल को हम वैक्सिलरी काइंड ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं. तो ये थी किस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है कैलिक्स और कोरोला की, और यू कैन से सेपल्स और पेटल्स की. जो अनदर पार्ट आता है फ्लावर का दैट इज द एंड्रूशियम पार्ट, जो कि मेल पार्ट होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्टैमन. इसके मेन पोर्शन क्या क्या हो सकते हैं, एक स्टैमन होती है जो स्टैम कह सकते हो आप, विच कंसिस्टिंग ऑफ द स्टॉक और फिलामेंट. और जो अनदर पोर्शन होता है दैट इज द एंथर. उस एंथर जो है वो एक स्टॉक के ऊपर एक एंथर पोर्शन होता है, और इस एंथर पोर्शन के अंदर
पॉलन सैक्स बने होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो पॉलन सैक है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस एंड्रूशियम के मेन क्या क्या टाइप हो सकते हैं? इफ इट इज स्टैमिनॉइड वन, स्टैमिनॉइड अगर है तो दैट मीन्स स्टीराइल स्टैमन है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स नहीं है। इफ इट इज एपीपेटलस टाइप दैट मीन्स इट इज अटैच टू दी पेटल्स। उस तरह की अरेंजमेंट हम एंड्रूशियम किसमें देख सकते हैं? ब्रिंजल के फ्लावर के अंदर। अगर वो एपीफाइलस काइंड ऑफ है देन इट इज अटैच टू दी पेरियंथ। पेरियंथ जो है इट इज दी स्टॉक विच कंटेन दी पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो एंड्रूशियम को उसकी स्टैमन को कवर करके एक लेयर होती है दैट लेयर इज नोन एज पेरियंथ लेयर। और उस पेरियंथ लेयर को अगर वो के साथ वो अगर अटैच है, अगर इस एंथर को मैं एक लेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर डालूंगी और अगर वो इस लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड फॉर्म में है दैट अरेंजमेंट ऑफ एंड्रूशियम इज नोन एज एपीफाइलस काइंड ऑफ। देन पॉली एडिलोफाइलस काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो होती है उसके अंदर जो स्टैमन्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में सर्कुलेट या फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। अगर मोनो एडिलोफाइलस है तो यूनाइटेड एज वन बंच। अगर मोनो काइंड ऑफ अरेंजमेंट है एंड्रूशियम की तो उसके अंदर एक बंच बना होगा, गुच्छा बना होगा इस एंथर्स का और स्टैमन्स का। अगर डाई एल्फस है तो उसके अंदर यूनाइटेड ऑफ टू बंडल्स, एक बंच की जगह टू बंच बने होंगे जिसका एग्जांपल है पी प्लांट। पॉली एडलोफेलस के अंदर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है देयर इज मैनी बंडल्स ऑफ दीज स्टैमन्स। अगर सिंगल बंडल है तो मोनो, टू बंडल है या टू बंच ऑफ स्टैमन्स है देन इट इज डाई, और अगर मैनी बंडल्स ऑफ दीज स्टैमन्स आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज पॉली एडलोफेलस टाइप ऑफ एंड्रूशियम। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज द गाइनोशियम पार्ट जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। गाइनोशियम जो है इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स, कार्पल्स जो कि फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रूट के अंदर। कार्पल्स के बाद देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टिग्मा, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं गाइनोशियम के, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये तीन पार्ट गाइनोशियम के होते हैं। जो ओवरी है इट इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच इलोंगेटेड ट्यूब इज लाइज जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। और स्टिग्मा क्या है? इट इज द टॉप, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल विच रिसेप्ट्स द पॉलन ग्रेन। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं इस गाइनोशियम का तो उसके अंदर मेनली क्या होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स बना होता है जिसमें आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज द स्टिग्मा पार्ट, ये जो टिप है यहाँ पर पॉलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है। आफ्टर दैट जो स्टॉक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द स्टाइल पार्ट। दिस इज द स्टाइल पार्ट, दिस इज द स्टिग्मा पार्ट, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज द ओवरी पार्ट। इस ओवरी पार्ट के अंदर आगे चलकर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीड्स बोल सकते हैं। सो ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द ओवरी कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओवरी की वॉल को हम प्लेसेंटा कहते हैं और उस प्लेसेंटा पर डिफरेंट डिफरेंट ओव्यूल्स जो कि आगे चलकर सीड बनाते हैं वो अटैच्ड होते हैं। ये जो गाइनोशियम होता है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप। अगर एपोकार्पस है दैट मीन्स उसमें जो कार्पस कार्पल्स हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर सिन कार्पस टाइप है तो उसमें कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो इस तरह से एपोकार्पस और सिन कार्पस काइंड ऑफ गाइनोशियम प्रेजेंट हो सकता है किसी भी फ्लावर में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर दे विल डिवेलप इन टू दी सीड्स एंड ओवरी डिवेल्प्स इनटू दी फ्रूट। क्या कहता है कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स, ये जो ओव्यूल्स हैं ये क्या बनाएंगे आगे चलकर सीड बना देंगे, और जो आउटर लेयर होती है दैट फ्लैशी स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू दी फ्रूट। जो फ्रूट बना होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दी ओवरी पार्ट। सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ दी पार्ट और ऑफ दी गाइनोशियम। गाइनेशियम के बाद जैसे हमने पहले बताया जो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होती है ओवरी के अंदर दैट इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, यू कैन से सीड
इन दी ओवरी। अब ये डिफरेंट तरह की कैसे हो सकती है? द फर्स्ट वन इज मार्जिनल वन, नाम से ही पता चल रहा है मार्जिन पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो द प्लेसेंटा फॉर्म्स द रिज एंड ओव्यूल्स बोर्न ऑन दिस। प्लेसेंटा जो है दैट इज द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल जो है वो एक मार्जिन क्रिएट करेगी और उस मार्जिन पर वो सीड्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं पी प्लांट का, जहां पर ये जो मार्जिन है दिस मार्जिन इज द प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा के ऊपर जो सीड्स पड़ी हैं दैट आर दी ओव्यूल्स। उसके बाद जो सेकंड टाइप आता है दैट इज दी एक्सियल पार्ट, जहां पर प्लेसेंटा जो है वो एक्सियल पोजीशन में होता है और ओव्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं इन दी मल्टी लोक्यूलर ओवरी। दैट मीन्स लोक्यूल्स बने होते हैं, एक से ज्यादा लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने नींबू और लेमन और टोमेटो का स्ट्रक्चर अगर कट करके देखा हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज दी मल्टी लोक्यूलर ओवरी। मल्टी लोक्यूलर ओवरी के अंदर जो एक्सियल पोजिशन होती है इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर, तो ये जितनी भी एक्सियल पोजिशंस हैं इन एक्सियल पोजिशंस पर अगर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम एक्सियल काइंड ऑफ ओवरी कहते हैं या प्लेसेंटेशन कहते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज पैरिएटल काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन, जिसमें ओव्यूल्स जो डिवेल्प हो रहे हैं ऑन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आपने मस्टर्ड प्लांट देखा होगा, मस्टर्ड प्लांट के अंदर जो प्लेसेंटा होता है दैट इज द वॉल ऑफ द ओवरी, उस प्लेसेंटा के आउटर एरिया में यहाँ पर ओव्यूल्स जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं इन द सेम लॉक्यूल और मोनोलोक्यूलर पोजिशन पे। जो अनदर काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन है दैट इज द फ्री सेंट्रल, दैट मीन्स फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ पोजिशन। ओव्यूल्स बोर्न ऑन दी सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल पोजिशन पर ओव्यूल्स बनते हैं एंड दी सेप्टा आर एब्सेंट, यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता जो कि लोक्यूल्स को डिवाइड करता है जैसा कि लेमन और टोमेटो में होता है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड होते हैं ओव्यूल्स और कोई भी ओवरी जो है वो लोक्यूल्स में डिवाइड नहीं होती है। इस तरह की अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को हम प्री सेंट्रल कहते हैं। देन द बेसल पार्ट, बेसल में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो डिवेल्प होता है एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। अगर आपने सनफ्लावर का फ्लावर स्टडी किया होगा तो उसके अंदर से जो ब्लैक पोर्शन होता है द मेन सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ द सनफ्लावर, उस सेंट्रल फ्लावर को अगर आप कट करके देखेंगे तो एक ही सीड वहां से निकलती है। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज बेसल काइंड ऑफ अरेंजमेंट। जो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एक ही सीड होती है जो कि इनर टू दी ओवरी होती है। सो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बेसल काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी फ्लावर्स जो कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम है, और उसके बाद ओव्यूल्स की अरेंजमेंट इन दी ओवरी दैट इज नोन एज दी प्लेसेंटेशन। दैट्स ऑल।